नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने चार पांच कंपनी में काम किया, आपको क्या करना होता है, पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना होता है। ट्रांसफर होने के बाद आपको यहां पर फुल एंड फाइनल पीएफ का पैसे विड्रॉल करना होता है। लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में आने के लिए, तो अगर आपके एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं करता है, यहाँ पर आपके जो पीएफ का पैसे ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस वाले वीडियो में मैंने यही बताने वाला हूँ, अगर आपके एम्प्लॉयर यहाँ पर अप्रूव नहीं करता है, उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अकाउंट को ओपन करके रखा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसी सेम प्रॉब्लम है, आपको ये वाले काम करना ही है, उसके बाद आपके जो पैसे है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि इस केस में आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर दो कंपनी के रिक्वेस्ट लगाया था, जैसे कि आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर ने एक ही कंपनी के अप्रूव किया, दूसरे कंपनी के यहाँ पर अप्रूव नहीं किया। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो कैंसिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर देना है। अगर आपके साथ ऐसे सेम प्रॉब्लम है तो ये प्रोसेस को आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि ट्रांसफर वाले जो पेज होता है वो यहाँ पर इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा अप्रूव, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पुराने मेंबर आईडी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में फंड ट्रांसफर के लिए आपको यहाँ पर किसी से भी अप्रूव लेने पड़ता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा कंपनी के पास आपने रिक्वेस्ट भेजा था अप्रूव लेने के लिए। जैसे कि मैंने इस केस में प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास भेजा था, अब मैंने यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट नहीं भेज के यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भेजने वाला हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप पहले प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट भेजा था, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास भेजना है। इसके लिए क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास भेजने वाला हूँ, इस वजह से इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे जो यूएन नंबर है, यूएन नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। पीएफ नंबर भी आप फिलअप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यूएन नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है, यही यूएन नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट डिटेल्स, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट, इसी के ऊपर क्लिक करना है। कौन सा कंपनी के पैसे आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है वो आपको पहले यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पता करना है कौन सा मेंबर आईडी में पैसे है, उसी मेंबर आईडी का पैसे आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वही मेंबर आईडी चूज कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिलेक्ट, जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर छोटा सा चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है गेट ओटीपी, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर देना है। अब ओटीपी फिलअप करने के लिए जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर ओके दिखाई दे रहा है, ओके में क्लिक करना है। तो हमारे पास जो भी ओटीपी आया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ओटीपी इसी तरीके से फिलअप कर देना है। अब ओटीपी फिलअप करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो भी हमने यहाँ पर ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाया है, यहाँ पर आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। अगर आप इसका रिसीविंग डाउनलोड करने चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विसेज, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्रैक क्लेम स्टेटस, इसी के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्लेम यहाँ पर पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्लेम लगाने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर कैंसिल नहीं करना है, कम से कम आपको यहाँ पर एक से दो महीने तक इंतजार करने पड़ेगा। उससे पहले आपको यहाँ पर एक बार एम्प्लॉयर से बात कर लेना है। अगर आपके एम्प्लॉयर यहाँ पर अप्रूव नहीं कर रहे, यहाँ पर नहीं सुन रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने पहले पुराने कंपनी से अप्रूव लेने के लिए रिक्वेस्ट भेजा था, तो आपको क्या करना है, न्यू कंपनी के पास भेजना है। अगर आपने पहले न्यू कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजा था, तो आपको क्या करना है, पुराने कंपनी के पास यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें, आपको यहाँ पर जल्दी से कैंसिल नहीं करना है। न्यू अपडेट तो आ चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर आसानी से कैंसिल नहीं करना है। पहले आपको एम्प्लॉयर से एक बार बात करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैंसिल करना है, अगर आपके एम्प्लॉयर अप्रूव नहीं कर रहा है तो। अगर आपके दोनों एम्प्लॉयर यहाँ पर अप्रूव नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्लेन करना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके एम्प्लॉयर यहाँ पर अप्रूव नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो करना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।